हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयू टू पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। यूजीसी ने सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ये आदेश दे दिए हैं कि जो एडमिशन बच्चे करवा रहे हैं उनका फी रिफंड कर दिया जाए, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए ये चीज है क्या, इसको बहुत डिटेल में हम समझेंगे। एक्चुअली ये हुआ ये है कि आप दो चार यूनिवर्सिटी में टारगेट करते हो और सब में फी आप पे कर देते हो रजिस्ट्रेशन का या एडमिशन का। लेकिन हुआ यूं है, कई बार आप देखोगे आरटीआई के थ्रू पता चला है लगभग 30 करोड़ रुपए जमा हो गए थे यूजीसी के पास, तो सबके फी को वापस किया गया है। किसी एक बच्चे ने एक ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा और उसने अप्लाई किया था कि भैया मेरा फी रिफंड कर दिया जाए, बट यूनिवर्सिटीज ने ये नहीं किया है, बहुत दौड़ाया है, बहुत दिनों से लटका के रखा था। तो ये लेटर इशू हुआ है 2018 में, ये एक्ट पास हुआ था। इसमें नियम कुछ ऐसे हैं कि अगर आप 30 सितंबर तक अपने रिफंड करवाते हो तो आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे और डिडक्शन शुरू होगा 30 सितंबर के बाद, मतलब विद अ डिडक्शन ऑफ नॉट मोर देन 1000 एज अ प्रोसीडिंग फी, प्रोसेसिंग फी अप टू 31st of October 2023। रीड द ऑफिशियल नोटिस बाई यूजीसी। ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था, आप बोलोगे तो हम आपको वो भी दिखा देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। The provisions included in UGC notification announced in 2020-28 can refund of fee and non-retention of original certificate. दो चीज है, ये तो आप एडमिशन करवाते हो तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लिए जाते हैं और फिर आपको क्या किया जाता है, आपका फी लिया जाता है, दोनों चीज वापस कर देना है। ये अक्टूबर 2018 में ये कानून आया था। परसेंटेज ऑफ रिफंड ऑफ फी 100% कब होगा, 15 दिन या उससे अधिक, ठीक है, जो एडमिशन का डेडलाइन होगा उसमें, मतलब मान लो एडमिशन का डेडलाइन है कब, 30 तारीख को, अगर 15 दिन बीत गए, ठीक है, एडमिशन डेडलाइन के, तो 100% आपका रिफंड हो जाएगा। 90% कब होगा, लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। 80% का फिर है, ठीक है, फिर 50% का है, ये अलग अलग डे का क्राइटेरिया है। मुद्दे की बात ये है, 0% मोर देन 30 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड डेडलाइन ऑफ एडमिशन। 0% तो मिलेगा जब आप 30 दिन बिता दोगे, डेडलाइन खत्म कर दोगे उसके 30 दिन बाद भी, तो फिर ये तो दिक्कत वाली बात है ही। और 2023-24 में ये फॉर्मल जो कंप्लायंस है इसको यूज करना है ताकि कोई कंप्लेन ना आए, ठीक है। और अगर कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस पॉलिसी को वायलेट करती है, देयर विल बी लायबल प्यूनिटिव एक्शन एज नोटिफाइड इन द क्लॉज 5 ऑफ द यूजीसी नोटिफिकेशन ऑन रिफंड ऑफ फी एंड नॉन रिटेंशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशूड इन October 28, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज थी जिन बच्चों के पैसे फंस जा रहे हैं, स्टक्ड हो जा रहे हैं उनके लिए।